है इसमें पूरे मेरे इयररिंग्स के कलेक्शन। YouTube चैनल ब्यूटीफुल चिक। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, जैसे कि मैंने कानों में कुछ नहीं पहना है क्योंकि मैं आज आप लोग के सामने दिखा रही हूँ। इयररिंग्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए मैं आज आप लोग के सामने लेके आई हूँ मेरी टोटल इयररिंग कलेक्शन। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक, और भी लोगों के साथ आपको शेयर करना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाली है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो जो आपको खाने पीने की सामान लेके बैठना है, बैठ जाइए और इत्मीनान से मेरी वीडियो को इंजॉय करिए। और मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने सारे कलेक्शन हैं। तो ये देख रहे हैं, इसमें पूरे मेरे इयररिंग्स के कलेक्शन हैं। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगी। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे इस पार्ट में कवर करने का, बट नहीं होगी तो सेकंड पार्ट या फिर थर्ड पार्ट भी मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी मुझे नहीं बनानी है क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। हो सके तो वीडियो सारे पार्ट्स में आएंगे, लेकिन जैसा भी है आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं अपने इयररिंग्स आपको दिखाती हूँ। सो एज यू कैन सी, मैंने अपने सारे इयररिंग्स को जिप लॉक बैग में बहुत अच्छे से सेफली रखा हुआ है। तो इस टाइप से मुझे चीज़ें रखने पसंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो इयररिंग्स है वो ख़राब, या जो भी कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी मेरी रहती है मैं सारी चीज़ों को अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ। तो इस टाइप से आप भी जिप लॉक बैग में रख सकते हैं, बहुत सेफ रहेगी। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉक्स में भी मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं जो दिखाती हूँ ये है इस टाइप की इयररिंग्स, ये है इस टाइप की इयररिंग्स। देखिए ये मैंने लोकल ख़रीदा था, बहुत सुंदर है। हालांकि मैं इसे नहीं पहन पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है मुझे, लेकिन यदि आप इस टाइप से पहनते हैं तो आपको ज़रूर ये इयररिंग्स पसंद आने वाली है। तो फर्स्ट ये है, ज़्यादा बात नहीं करने वाली, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव दिस इयररिंग्स, ये भी बहुत सुंदर है। सारी चीज़ें मैंने मोस्टली जो इयररिंग्स है मैंने ऑफलाइन ख़रीदी थी। तो नेक्स्ट आई हैव दिस, ये भी बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, पहनने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। चलिए नेक्स्ट आई हैव दिस बॉक्स, और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे जो है इयररिंग्स है। देखिए ये वाली ऑक्सीडाइज वाली इयररिंग्स है, बहुत सुंदर लगती है पहनने में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आई हैव दिस झुमकी, इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, बहुत सुंदर मस्त लगती है पहनने में, मज़ा आती है। देन नेक्स्ट आई हैव, ये देखिए इस टाइप की इयररिंग्स है, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद जो है ये लटकन है, यहाँ पे आप कानों में लगा सकते हैं, ऐसे पीछे करके भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है, या फिर आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, आपको जैसा पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आई हैव दिस, ये भी बहुत सुंदर लगती है पहनने में। तो देखिए मैंने इतनी जल्दी 4-5 इयररिंग्स कवर कर दी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई हैव दिस ह्यूज जो है वो, ये एक निकल गया है, इसको अभी मुझे फिक्स करना है। तो ये इस टाइप की आपने ऑनलाइन देखी होगी, ये मैंने मीशो से परचेस किया था, बहुत ज़्यादा हैवी है लेकिन बहुत सुंदर लगती है वेयर करने में। तो ये भी बहुत सुंदर इयररिंग्स हैं। ओके, तो ये वाली जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें सारे मेरे ऑक्सीडाइज वाले इयररिंग्स हैं। तो मैं दिखाती हूँ वन बाय वन, एक ये है गॉर्जियस सा है, बहुत सुंदर है। देन आई हैव दिस नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट आई हैव दिस, ये ऑक्सीडाइज वाली है, इसे मैंने लोकल ख़रीदा था, ये भी बहुत सुंदर है, मिरर वर्क इसमें हो रखा है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आई हैव दिस
ऑक्सीडाइज वाली जिसमें लंबी लंबी चेन दी हुई है, पहनने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। देन नेक्स्ट आई हैव दिस, ये मुझे एक सेट के साथ मिली थी तो इसको मैंने अलग करके रखा हुआ है क्योंकि ये मैं पहन लूँगी, कभी भी सेट को पहनना थोड़ा कम ही हो पाता है इसलिए मैंने इसे इसमें सेट करके रखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट आई हैव दिस, ये भी ऑक्सीडाइज है लेकिन हल्की सी जो डार्क कलर जो होती है वो उस टाइप की है। तो नेक्स्ट आई हैव दिस, उसके बाद ये भी मुझे एक सेट में मिली थी तो ये भी मैंने बाहर ही रखा है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहनना नहीं हो पाता है इसलिए मैं क्या करती हूँ अलग अलग कर देती हूँ। देन ये भी मुझे एक सेट में मिली थी, ऑक्सीडाइज वाली है तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, पहनने में मज़ा आती है। तो इसमें के सारे जो है ऑक्सीडाइज वाले मैंने आपको दिखा दिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मैं आपको मस्त ब्यूटीफुल वाली जो है वो झुमकी दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट आई है दिस, ये देखिए झुमकी बहुत ज़्यादा सुंदर है, साड़ी में, सूट में या इंडियन अटायर में ये किसी में भी चली जाएगी, बहुत ही सुंदर। और इसमें पर्ल लगे हुए हैं और एक बार भी मैंने इसे नहीं पहना है, इसका उद्घाटन अभी नहीं हो पाया है तो इसे मैंने इस बॉक्स में रखा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया मैं जिप लॉक बैग में रखती हूँ, ये वाली जिप लॉक बैग को मैं पहले खोल देती हूँ। ये वाली देखिए बहुत ही सुंदर सी है, ये गोल्डन कलर की है, ये गोल्ड नहीं है आर्टिफिशियल है, इसमें गोल्डन कलर का परत चढ़ा हुआ है तो ये भी बहुत सुंदर वेस्टर्न ड्रेस में भी चली जाती है और सुंदर लगती है। देन आई हैव दिस, ये भी बहुत गॉर्जियस है, ये मैंने एक फंक्शन के लिए ख़रीदा था, बहुत सुंदर लगती है और पहनने में जो लुक आती है उसका क्या ही कहना, बहुत ही सुंदर प्रिटी सी लुक मिलती है इसको पहनने के बाद, एकदम मेसमराइजिंग फीलिंग आने लगती है, बहुत सुंदर है। देन नेक्स्ट आई हैव दिस, और ये वाली जो है मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला था कि कभी मैं भी पहनूंगी इसको, तो मैंने कहा बिल्कुल आप इसे ट्राई करके देखिए। तो ये नेक्स्ट ये है, गोल्डन कलर की है, रोज़ गोल्ड कलर की है और इसमें जो है इसमें ये स्टार टाइप की शेप में है, स्टार बनी हुई है। नेक्स्ट आई हैव दिस, ये वुडन है, ये बहुत भी सुंदर इंडो वेस्टर्न कोई भी ड्रेस में चली जाएगी और इसमें जो है मरून कलर की जो है बॉल है और इसमें जो है वो ग्रेइश कलर की वुडन के अंदर वेलवेट इसमें कवर है। नेक्स्ट सेक्शन को मैं ओपन करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं बनाना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट आई हैव दिस झुमकी, ये देखिए बहुत सुंदर है, कॉपर कलर की है इसमें और इसमें जो है वो पर्ल का पूरा वर्क हो रखा है और इसमें जो लटकन है वो भी पूरी पर्ल की है और बहुत सुंदर लगती है ये पर्ल भी पहनने में, ये कोई भी अटायर में, इंडियन अटायर में ये चली जाएगी और सुंदर लुक देती है। देन नेक्स्ट आई हैव दिस हूप्स, जो मैंने मनाली से ख़रीदा था जब मैं घूमने गई थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ईयरिंग्स मिलते हैं लेकिन मैं मेमोरी के लिए ख़रीदना चाहती थी इसलिए मैंने इसे ख़रीदा। तो ये मैं पहनी हूँगी नहीं पहनी मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत ही कम मैं इसे पहनती हूँ। नेक्स्ट हूप्स ही है जो कि है शेल इसमें लगी हुई है, पिकनिक में जा रहे हैं या कोई वेकेशन आप प्लान कर रहे हैं तो इस टाइप की हूप्स वगैरह आप पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है कोई भी ड्रेस में, गाउन वगैरह में भी अच्छे से ये चली जाती है। देन नेक्स्ट आई हैव दिस हूप, ये भी हूप है और ये भी कोई भी ड्रेस में टॉप वेस्टर्न लुक में आप इसे कैरी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आई हैव दिस, और इसकी प्राइस आप मुझे गेस करके बताइए कितने की होगी। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज, आप बिलीव नहीं करेंगे ये सिर्फ 10 रुपए की है। इसे मैंने वाइजैक से ख़रीदा था जब हम बीच के साइड हम लोग घूमने गए हुए थे तो वहाँ पे एक आंटी जो है वो उसे बेच रही थी। देन नेक्स्ट आई हैव दिस, ये भी वहीं से विशाखापट्टनम से ख़रीदी थी, ये 10 की नहीं है ये ज़्यादा की है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, वहीं से मैंने परचेस किया। देन नेक्स्ट आई हैव दिस झुमकी, और ये भी बहुत गॉर्जियस है, पहनने में भी बहुत सुंदर लगती है कोई भी ड्रेस के साथ, बहुत ज़्यादा अगर हमें तामझाम नहीं पहनना, छोटी झुमकी अगर चाहिए मुझे तो मैं इसे पहनती हूँ और ये कोई भी मेरे कपड़ों में चली जाती है, आजकल तो कॉन्ट्रास्ट का ज़माना है तो ये कोई भी ड्रेस में चली जाती है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलती हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक, बाय बाय।